हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने डेटा को अपडेट करना है माइक्रोसॉफ्ट एसेस के डेटाबेस के अंदर। मगर इस बार जो हम डेटा अपडेट करने के लिए टेक्निक यूज़ करेंगे, वो करेंगे बाय अपलोडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास डेटा है वो एक्सेल की फाइल के अंदर है, और जो हमने डेटा अपडेट करना है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट असेस के डेटाबेस के टेबल के अंदर है। तो सिंपली हम वेबसाइट के थ्रू जो अपडेटेड डेटा की एक्सेल की फाइल है उसको अपलोड करेंगे, और हमारा जो भी एक्सेल के अंदर पर्टिकुलर डेटा होगा वो अपडेट हो जाएगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट असेस के डेटाबेस के अंदर। तो लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था, उसमें हमने ये सेम फंक्शनैलिटी SQL सर्वर के डेटाबेस के साथ इम्प्लीमेंट की थी, मगर हमारे किसी मेंबर ने, चैनल के मेंबर ने हमें दोबारा से मेल करके रिक्वेस्ट की कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट असेस के साथ भी सेम एग्जांपल को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए उसी एग्जांपल को माइक्रोसॉफ्ट असेस के डेटाबेस के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, तो उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो लास्ट वाला वीडियो ट्यूटोरियल था उसी के कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करके आप उसको माइक्रोसॉफ्ट असेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि ये वाली एग्जांपल किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट असेस का डेटाबेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल है, और उसके अंदर जो डेटा है वो मैंने ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास एक एक्सेल की फाइल भी है। तो एक्सेल की फाइल के अंदर भी सेम जैसे असेस के अंदर हमारे पास कॉलम है, उसी तरीके से हमारे पास चार कॉलम जो हैं वो एक्सेल की शीट के अंदर है। जो शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है शीट 1, और इसके अंदर जो मैंने दो रिकॉर्ड्स हैं 101, इसके अंदर जो फादर नेम है वो मैंने अपडेटेड लिखा हुआ है विकास कुमार, और यहाँ पे जो असेस के अंदर जो डेटाबेस है उसको मैंने अपडेट करना है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक्सेल का दो जो दूसरा रिकॉर्ड मैंने अपडेट करना है असेस के अंदर, उसके अंदर मैंने विजय शर्मा और मोहित शर्मा लिख दिया है, जबकि हमारे पास जो पुराना डेटा है उसके साथ शर्मा जो है वर्ड नहीं लगा हुआ। तो चलिए अब हम इसको एक बार चला के देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल में एग्जाम्पल है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम एक्सेल की फाइल को चूज़ करते हैं। यहाँ से एक्सेल की फाइल को मैं चूज़ करूँगा और ओपन करूँगा, और जैसे ही मैंने इसको अपलोड एंड अपडेट के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मैसेज रिट्रीव हो चुका है, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर दिखाऊँ तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो है ऐप अंडरस्कोर एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने अपनी डेटाबेस की फाइल रखी हुई है। तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो 101 का जो फादर नेम है वो भी अपडेट हो चुका है, और 102 का जो स्टूडेंट नेम है और उसका जो फादर नेम है वो एक्सेल की फाइल के थ्रू जो है हमारा अपडेट हो चुका है असेस के डेटाबेस के अंदर। तो चलिए अब हम देखेंगे इस तरीके की एग्जांपल हमने कैसे बड़े इजी और सिंपल वे के साथ इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पुराने प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू, और फिर यहाँ से वेबसाइट, बड़ा ही सिंपल इजी वे है। यहाँ से सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ASP.NET वेबसाइट, और यहाँ पे आपने जो है अपने फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपका सारा जो आज का सोर्स कोड है एग्जांपल का वो सेव होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डेटा असेस थ्रू एक्सेल, और इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, माउस की हेल्प के साथ ऐड करना है ऐड न्यू आइटम। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एक ब्लैंक वेब फॉर्म। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैंक वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स में से सबसे पहला जो कंट्रोल हम यूज़ करेंगे वो है लेबल कंट्रोल। तो चलिए लेबल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ऐड कर देते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम इसकी चेंज करेंगे वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं सबसे बढ़िया मेथड वाले वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और साथ में आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्ट की नॉलेज है, वो लाइव एग्जांपल के थ्रू जो है और भी इंक्रीज होगी और आप हमारे साथ अपने आइडियाज़ को शेयर भी कर पाएंगे ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बाय मेल हमें शेयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका जो है रिप्लाई आप तक पहुंचे। तो इसी तरीके से जो है हम इस चैनल के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो बना रहेगा और आपके लिए भी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए टूल बॉक्स में से अगला जो कंट्रोल हम यूज़ करेंगे वो है लेबल। तो इस लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आज के प्रोजेक्ट का हेडिंग लिख देते हैं, अपडेट एमएस असेस डेटाबेस बाय अपलोडिंग अपडेटेड एक्सेल फाइल इन ASP.NET और C#। तो चलिए अब आप यहाँ से जो है इसका जो फॉर कलर है वो इसका चेंज कर सकते हैं, मैं रेड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल से हमारा जो फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से इंसर्ट करेंगे एक टेबल, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो होंगी 2, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे टेबल के वो होंगे 2। और चलिए ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए इसको रीसाइज कर लें आप अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दें अपलोड MS Excel फाइल। तो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पे जो कंट्रोल यूज़ करेंगे वो है टूल बॉक्स में से फाइल अपलोड कंट्रोल। तो इसको सिंपली डबल क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बटन को यूज़ करेंगे, इस बटन को डबल क्लिक करके ऐड कर दें वेब फॉर्म के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं अपलोड एंड अपडेट असेस डेटा। तो चलिए आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर जो है ऑरेंज कर देता हूँ। अब आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कलर जो है चूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको सिलेक्ट रहने देना है और प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर बॉर्डर की विड्थ 1 लिख के एंटर कर दें, जिससे इसकी जो बॉर्डर लाइंस है वो काफ़ी अच्छी थिक लगेंगी और देखने में वेब फॉर्म अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पर एक लेबल को इंसर्ट करना है, लेबल 3 को, क्योंकि हम लास्ट में अपलोड करने के बाद जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है यूज़र को, उसके लिए ये वाला लेबल जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी के लिए ब्लैंक कर देते हैं, बाद में इसको कोडिंग के थ्रू जो है चेंज करेंगे हम। तो चलिए हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है ऐड, और यहाँ पर फोल्डर का नेम लिखेंगे ऐप _data, और इसके अंदर आप जो अपना असेस का डेटाबेस है वो यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास असेस का डेटाबेस है स्टूडेंट डेटा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डेटाबेस है वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट करना है जो हमारा टेम्प्रेरी जो है एक्सेल की फाइल को सेव करेगा, उसके लिए हम लिखेंगे एक्सेल फाइल। तो जो भी यूज़र अपलोड करेगा एक्सेल की फाइल को टेम्परेरी इसमें सेव होगी, और कोडिंग के थ्रू जो हमारा डेटा है कैप्चर करने के बाद इस एक्सेल की जो फाइल है इसको लास्ट में हम डिलीट कर देंगे कोडिंग के थ्रू। तो चलिए हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो है यहाँ पे कोडिंग करेंगे इस बटन के ऊपर। तो डबल क्लिक करके हम अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। जो कोडिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए कर रखी है,
कोडिंग काफ़ी इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो ये कोडिंग वाली फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे सारा सोर्स कोड। वैसे तो मोस्टली जो सोर्स कोड है वो पुराने जो वीडियो ट्यूटोरियल, जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया था एसक्यूएल सर्वर के साथ इसी एग्जांपल को, तो उसी से मैच करती है, मगर थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो आप देख पाएंगे इसको डाउनलोड करने के बाद। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आपने नेम स्पेसिस को कॉपी करना है, ये तीन नेम स्पेसिस यूज़ की हैं मैंने, और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जहाँ पे भी नेम स्पेसिस डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे पेस्ट करते हैं, तीन नेम स्पेसिस हैं। उसके बाद में हमने जो कोडिंग करनी है बटन क्लिक के ऊपर, ये वाली कोडिंग है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं अपने अपलोड बटन क्लिक के ऊपर। कोडिंग काफ़ी ईजी है, सिंपली मैंने जो है फाइल को पहले एक्सेल की फाइल जो भी आप अपलोड करेंगे उसको सेव करवाया है एक्सेल फाइल नाम के फोल्डर के अंदर। बाद में हमने प्रोवाइडर यूज़ किया है एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए, और हम फाइल को एज ए सोर्स डेटा सोर्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट वन क्वेरी एक एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद में डेटा को रीड किया है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक्सेल की फाइल से, और उसके रोल नंबर को कैप्चर किया है, स्टूडेंट नेम को कैप्चर किया है, फादर नेम और क्लास को कैप्चर किया है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और एक मेथड को जो यूज़र डिफाइंड मेथड है उसको कॉल किया है जिसका नेम है अपडेट डेटाबेस। और उसके बाद में इस जो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटाबेस है उसको हम उसकी कोडिंग भी हम करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो जो यूज़र डिफाइंड की कोडिंग है सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपका कोड कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपने इस तरीके की जो कोडिंग है वो करनी है, एक मेथड जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। ये कोडिंग भी मैं इसको सोर्स कोड के अंदर ही कॉपी कर देता हूँ ताकि आप जब भी इस सोर्स फाइल को डाउनलोड करें तो ये पहले से लिखा आए आपके सोर्स कोड के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सोर्स कोड भी कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने चार जो पैरामीटर्स हैं वो पास किए हैं, रोल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और उसकी क्लास। तो चलिए ये नेम इसका मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे आपको अपडेट डेटाबेस, और अब आपने यहाँ पे अपना जो ये वाला कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कोड काफ़ी इजी है, सिंपली हमने अपडेट कमांड को यूज़ किया है और साथ में वेयर क्लोज को यूज़ किया है जिसको हम रोल नंबर के अकॉर्डिंगली जो है सर्च करके डेटा को अपडेट करेंगे, और साथ में हमने जो डेटाबेस के लिए असेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइडर यूज़ किया है वो ये वाला प्रोवाइडर है, और साथ में जो डेटा सोर्स यूज़ किया है वो आपके जो भी ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर डेटाबेस होगा असेस का, उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से मैंने सर्वर डॉट मैप पाथ यूज़ किया है ताकि आपका जो लॉजिकल पाथ है वो फिजिकल पाथ में रन टाइम पे कन्वर्ट हो जाए। और कनेक्शन को ओपन किया और उसी तरीके से कमांड एक OLDB कमांड है उसको पास किए हैं दो पैरामीटर, और बाद में कमांड को रन कर दिया है। तो सिंपली रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जैसे हमारे एक्सेल से रिकॉर्ड रिट्रीव होगा ये वाला मेथड कॉल होगा, और बाद में हमारा वो वाला रिकॉर्ड जो है असेस के अंदर जो है अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। तो चलिए प्रोजेक्ट को रन करते हैं यहाँ से। तो अब मैं जो यहाँ पे एक्सेल की फाइल को अपलोड करूँगा वो ये वाली फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास 101 है उसका नेम मैंने चेंज कर दिया, 102 का जो नेम है वो अपडेट कर दिया है हरीश शर्मा। इसी फाइल को अब हम अपलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट की एग्जांपल के अंदर। तो चलिए इसको मैं अपलोड करता हूँ इस फाइल को, एक्सेल की फाइल को, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि डेटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए आपको मैं डेटाबेस भी दिखा देता हूँ, जो एक्सेल का डेटाबेस है उसका 101 और 102 के अंदर क्या चेंजेज़ हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 का नेम जो है वो मोहन हो चुका है और 102 का जो नेम है वो हरीश शर्मा हो चुका है। तो इस तरीके से आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ जो है एक्सेल की फाइल का डेटा, जो सारा डेटा है चाहे वो 100 रिकॉर्ड हो चाहे 1000 रिकॉर्ड हो, डायरेक्टली उसको MS Access के डेटाबेस के साथ अपडेट कर सकते हैं।
इस तरीके की एग्जांपल जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होती हैं, सिंपली डेटा को अपडेट करने के लिए, एक बल्क डेटा को अपडेट करने के लिए। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस मेरे मेंबर का चैनल के, जिसने ये आइडिया जो है हमारे साथ शेयर किया और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो आप भी हमारे साथ अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी मेल्स हमारे पास पहुंचती है आपकी, वन बाय वन हम सभी की जो ईमेल्स हैं उसको रिव्यू करते हैं, उसका कोड जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके आइडियाज़ को जो है डिस्कस करते हैं और बाद में इम्प्लीमेंट करके उसको वीडियो ट्यूटोरियल की तरह जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा है, वन बाय वन हम सभी की जो आइडियाज़ हैं उनको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि मेल भेजने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी जो आइडिया है उसको हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको आज की एग्जांपल के टॉपिक के बारे में समझ लग चुकी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए इस वीडियो का, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से अभी व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है हम और भी अच्छे तरीके के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।